हेलो एस्पायरेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बहुत ही बेहतरीन से इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल सीजीएल 2023 के स्किल टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। एंड दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में एसएससी की टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड मांगी जाती है और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है टाइपिंग का, और कहां से सबसे बड़ी बात है कि कहां से टाइपिंग की प्रैक्टिस करी जाए, एंड उसके लिए कौन सा कीबोर्ड जो है वो सबसे बेहतर रहेगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप टाइपिंग के लिए फ्री सॉफ्टवेयर का यूज कैसे कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बात करें कि आपको एग्जाम हॉल में जो कीबोर्ड मिलता है वो हार्ड मिलता है या फिर नॉर्मल मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले पॉइंट की कि आप अगर सीजीएल के लिए टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको चाहिए 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट, जो कि मोटा मोटा होता है 27 वर्ड पर मिनट। एंड वहीं जो सीएचएसएल में ये वर्ड पर मिनट है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कि एलडीसी की पोस्ट के लिए जो इंग्लिश का है 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट। एंड डीईओ इन कैग ऑफिस के लिए 50 वर्ड पर मिनट और डीईओ इन अदर देन कैग ऑफिस के लिए जो है वो 29 वर्ड पर मिनट है। एंड इसके अलावा दोस्तों, आप लोग एरर परसेंटेज और एक्यूरेसी की भी लिस्ट अलग अलग देख सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर बात करें कीबोर्ड की तो आप सबसे अच्छा जो है एसर कंपनी का कीबोर्ड ले सकते हैं अधिकतर टीसीएस के सेंटर में, क्योंकि वही कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। बशर्ते आपके पास अगर कोई दूसरा कीबोर्ड है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसकी जो कीज है बहुत ही ज्यादा नहीं हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। एंड दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मैं सीजीएल मेंस का पेपर देने गया था तो मुझे जो कीबोर्ड मिला था वो काफी ज्यादा हार्ड था, और ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही नहीं बाकी अदर बच्चों के साथ भी थी। तो आप लोगों को बस ये प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट कीबोर्ड पर प्रैक्टिस ना करें। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर की मदद से आप बिल्कुल फ्री में जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है और वो भी बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस आप अपने पीसी या फिर फोन पर भी कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको क्या है ये ओटीजी कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। एंड विद द हेल्प ऑफ ओटीजी कनेक्टर आप अपने कीबोर्ड को और मोबाइल को अटैच कर सकते हैं, सो आप इस पर भी टाइपिंग की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, बात करेंगे कि टाइपिंग के लिए जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो कहां पर मिलेगा। तो उसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। एंड इस पर आपको बस सिंपली सर्च करना है typingbaba.com। अब जो दोस्तों आपके सामने पहले साइट ओपन होकर आएगी, बस सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका उस साइट का जो है होम पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं जानते हो और टाइपिंग के बिगिनर है तो इसके टाइपिंग ट्यूटर पर क्लिक करके हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करके आप उसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप सीधे एग्जाम पैटर्न पर ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, उस पर आपको इंग्लिश करना है तो इंग्लिश और हिंदी करना है तो हिंदी टाइपिंग पर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले नेम सेलेक्ट कर लेना है, कुछ भी आप यहाँ पर नेम डाल सकते हैं। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लेंगे 5, 10, 15, 20 मिनट, जितनी भी देर आपको टाइपिंग करनी है। और उसके बाद यहाँ पर खूब सारे पैराग्राफ दिए रहते हैं तो आप उनमें से कोई सा भी पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आपका कोई टेक्स्ट अपलोड करके उसका प्रैक्टिस करने का मन है तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न पर टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको सेट वर्ड लिमिट को है उसको इनेबल कर देना है। दोस्तों, एसएससी की टाइपिंग टेस्ट में जो बैक स्पेस है वो अलाउड होता है, तो आपको उसको डिसेबल नहीं करना है, उसको इनेबल पर ही रहने देना है। एंड वहीं आपको हाईलाइट्स एंड ऑटो स्क्रॉल को जो है डिसेबल कर देना है। अब बस सिंपली आपको स्टार्ट इन एग्जाम मोड पर क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका टाइमर शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका पैसेज है यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न पे जो है खुलकर आ गया है। दोस्तों, अब जैसे ही आप लोग टाइपिंग करना चालू करेंगे आपका जो टाइमर है वो चालू हो जाएगा। मैं थोड़ी सी करके दिखा देता हूँ। एंड कुछ देर बाद टाइम खत्म होने के बाद ये ऑटोमेटिक सबमिट पे हो जाएगा और आपका 3 मेथड से जो है वर्ड पर मिनट यानी कि स्पीड आपकी कैलकुलेट होकर भी आपके सामने आ जाएगी। और वहीं जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अपना पैसेज देख पाएंगे कि आपने कितनी हाफ मिस्टेक या कितनी फुल मिस्टेक्स करी हैं और आपकी एरर क्या रही और आपकी एक्यूरेसी क्या रही। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नए नए अपडेट्स के साथ।